Well, guys, first of all, we should applaud ourselves and be proud of ourselves that we have made a mammoth task, a Herculean task possible. And you want to know what mammoth task and Herculean task I'm talking about? Just stick on to this video, just watch this video till the end. Please do not go anywhere. And this is a beautiful rainy morning. Good morning, guys. Look at that. गुड मॉर्निंग गाइज, आज की मॉर्निंग हमारी रेनी मॉर्निंग है एंड यू कैन सी बिहाइंड मी कितनी तेज बारिश हो रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, आई थिंक, लेट मी चेक, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मैंने रात को ही हेयर ऑयल लगा लिया था, वो हेयर ऑयल मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ। दैट इज़ अ DIY हेयर ऑयल एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर हेयर फॉल एंड हेयर प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पे अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ एंड गौरव इज मेकिंग डोसा इन द मॉर्निंग। Look at that, Gaurav. Good morning. Morning. Making dosa. How are you making dosa? Yeah, better. जिनको नहीं पता, गौरव डोसा बना लेते हैं। Yes, डोसा बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गौरव डोसा बहुत इजीली बना लेते हैं। एंड अगर आपको देखना है गौरव डोसा कैसे बना रहे हैं, देन लेट मी टू यू। यस गौरव मैनेज कर लेते हैं डोसा बनाना एंड वो आज मॉर्निंग की चाय भी बना रहे हैं। अदरक वाली गौरव ने डोसा वहाँ पे फैला दिया है। वेरी गुड मेरे शेयर। गोइंग बैक टू माय सफाई अभियान। एक्चुअली बैंगलोर में रात को भी बहुत हैवी बारिश हुई है और वो 2 से 4 घंटे आराम से चली और बहुत अच्छे वाली बारिश हुई है। आज मॉर्निंग में ह्यूमिडिटी थी, बैंगलोर में टेम्परेचर कुछ 35-36 चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो इसीलिए आई थिंक बारिश हुई है, सो हैंस द रेनफॉल। बैंगलोर में ज़्यादा गर्मी नहीं रह सकती है, जैसे ही गर्मी होती है बारिश हो जाती है एंड उसका नतीजा है रेनफॉल एंड इट्स स्टिल रेनिंग। ये आज ब्रेकफास्ट मेन्यू था गौरव की रसोई का एंड देखो उन्होंने डोसा बनाया है। प्रीटी गुड राइट। चाय, ही मेक्स डिलीशियस टी। मुझे इनके हाथ की चाय बहुत पसंद है। आज तो मज़ा आ गया नाश्ता करने का। बारिश का मौसम, गर्मा गर्म चाय और गर्म डोसे, और क्या चाहिए जिंदगी में, वो भी सुबह सुबह। नाउ इन्जॉय द टाइम लैप्स। तो लग रहा है अपने हाथ का डोसा खा के गर्मा गर्म ठंडे हो गए हैं। अब ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, अच्छे नहीं लग रहे क्या? अब गर्मा गर्म होते तो बड़ी बात होती है। और गर्मा गर्म चाय बारिश के मौसम में, वो तो मजा भी जाम करा कर दे। वहाँ पे सारा रद्दी का सामान पड़ा है, लॉकडाउन खुलेगा तो ये सारा रद्दी का सामान देना है। ये मैंने लॉकडाउन में सफाइयाँ करनी है, तो उसी की हालत है। सच्ची में हवा इतनी क्लीन हो गई है कि वहाँ दूर दूर तक भी दिख रहा है और वो सब हमें पहले दिखता नहीं था, अब बहुत दूर दूर तक विजिबल है सब कुछ। 200 किलोमीटर भी दिख रहा है। आज का रूटीन थोड़ा डिफरेंट है। गौरव इज डूइंग द डिशेस एंड गौरव ने नाश्ता भी बनाया है एंड आई एम डूइंग ऑल द क्लीनिंग पार्ट टुडे। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड हमने हनुमान चालीसा भी लगाई हुई है। अभी आज की मॉर्निंग हमारी सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक मॉर्निंग थी बिकॉज रेनी मौसम है एंड बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हुआ हुआ है एंड मौसम बहुत अच्छा है आज। एक्चुअली आई डिडंट रियलाइज बट आज के दिन मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जाले हटाना, वॉल्स क्लीन करना, विंडो पेंस क्लीन करना, बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग करना, एवरीथिंग। आई हैव थरली डीप क्लीन्ड माई हाउस टूडे, सो आप इस व्लॉग में वही देख रहे हो।
हियर आई एम टेकिंग वन मोर कप ऑफ चाय बिकॉज 3 घंटे से मैं कॉन्टिन्यूस काम कर रही हूँ एंड मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. सो आई एम हैविंग माई टी ब्रेक एंड नाउ बैक टू वर्क. यहाँ पे अब मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं फोल्ड करने के लिए, इवन इनको मुझे आयरन भी करना है, वो मैं स्लोली स्लोली करूँगी. सो अभी मैं इनको फोल्ड करके रख रही हूँ. आज मैंने अपने मेकअप ब्रशेज, हेयर ब्रशेज एंड कुछ मिसलेनियस आइटम्स है वो वॉश किए हैं एंड उनको एयर ड्राई करने के लिए भी रखा है. अभी मैं यहाँ लंच की प्रिपरेशंस कर रही हूँ. आज इतना सारा काम है तो मैंने हेडसेट्स लगाए हुए हैं एंड मैं म्यूज़िक सुनते सुनते काम कर रही हूँ बिकॉज इतना सारा काम ऐसे करना पॉसिबल नहीं है. सो यहाँ पे इसीलिए मैं ग्रूव भी कर रही हूँ. सो आज मैं घिया और चावल बनाने वाली हूँ और घिया ग्रेवी वाला बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने टमाटर का तड़का लगाया है. और यहाँ पे जो धुले हुए बर्तन ड्राई हो चुके हैं उनको मैं दोबारा से अंदर रैक्स में रख रही हूँ. घी में हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं. यहाँ पे मैंने हींग डाला है, थोड़ा सा जीरा, हल्दी, लाल मिर्च एंड नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग. एंड उसके बाद मैंने घिया ऐड कर दिया है कुछ पानी के साथ सो दैट वो प्रेशर कुक हो जाए. एंड मैंने घिया ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है बिकॉज नेक्स्ट डे हमें नाश्ते में मिसी रोटी खानी है घी की. सो इसीलिए मैंने घिया थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है. अभी आप यहाँ पे मौसम देखो, ये आफ्टरनून का टाइम है, लंच टाइम है एंड स्टिल बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश दोपहर में भी हुई है कॉन्टिन्यूस. मैंने आपके साथ अपने बहुत सारे व्लॉग्स में शेयर किया है कि सनसेट मेरी बालकनी से बहुत अच्छा दिखता है एंड आज के दिन सनसेट ऐसा दिख रहा है, लुक एट द ब्यूटी. सो गाइज, लॉकडाउन एंड क्वारंटीन हैज़ ऑलरेडी पास्ट 1 month, सो आई डिसाइडेड टू डू सम पर्सनल ग्रूमिंग एंड आज मैं वैक्सिंग करने जा रही हूँ. उसके लिए आई एम यूजिंग रीका वैक्स एंड दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन. आई कैन डू माई वैक्सिंग एट होम, मैं बहुत ईजिली वैक्सिंग कर लेती हूँ. सो दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग टूडे. हैंड्स के लिए मैंने वीट सेंसिटिव वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करी थी जो मैंने रात को ही कर लिया था एंड आई डिडंट फिल्म दैट. सो हैंड्स के लिए मैंने वीट यूज़ की थी एंड फॉर लेग्स आई एम यूजिंग रीका बिकॉज लेग्स के लिए मुझे रीका ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है. यहाँ पे फाइनली सनसेट हो गया है, स्टिल इट लुक्स ब्यूटिफुल राइट. आई लव माई बालकनी यार. एक्चुअली मैंने अपनी बालकनी में एक वॉल आर्ट करी हुई थी एंड द लिंक ऑफ दैट वॉल आर्ट विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो उस वॉल आर्ट की अब मैं वॉल चेंज कर रही हूँ, जिस वॉल पे थी एक्चुअली वहाँ से चेंज करके दूसरी वॉल पे कर रही हूँ एंड उसका पैटर्न भी चेंज कर रही हूँ यहाँ पे. गाइज, 1 महीना निकाल लिया आपने एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट किया है ऑफ नॉट पार्टिंग, नॉट ट्रैवलिंग, 1 month विदाउट मेड्स. ओ माई गॉड, लेडीज आई नो आपने घर का काम कैसे किया है एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइज, आपने 1 महीना बिना मेड के निकाल लिया है. पार्लर्स नहीं गए, सलून्स नहीं गए हो. और जो जेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड वर्क फॉर होम कर रहे हैं उनके लिए भी सिंपैथी है मेरे लिए. तो वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है. बहुत बड़ा काम हम लोगों ने अचीव किया है इस 1 महीने में. आज 25th April है एंड पूरा 1 महीना आप लोगों ने बिना मेड्स के निकाला है. जस्ट टेक अ मोमेंट एंड अप्लॉड फॉर योरसेल्फ. या बेचारों की काम कर करके क्या हालत हो गई. देखो यार, मेरा ना वेट 5 किलो घट गया है, फ्रैंकली स्पीकिंग. 1 month में 5 kgs, couldn't believe that this could be possible. तो अच्छा है ना, gratitude करो. Gratitude बिना कुछ काम किए देखो वेट रिड्यूस हो रहा है. नहीं यार,
सो नाउ यू अंडरस्टैंड घर पे बैठे हो कितना काम होता है. नहीं नहीं इट्स नॉट अबाउट दैट भाई, एनर्जी लो है भाई. अभी भी देख लो रियलाइजेशन नहीं हो रहा, थोड़ा और काम कराना पड़ेगा. एनर्जी लो है यार, एनर्जी लो है, यू नो आई इट्स ऑलवेज, मेरे को आधे घंटे के बाद नींद आने लग जाती है. इसीलिए बस एक ही काम करते हैं, डिशेस वॉश करने का, बाकी पूरे घर का काम मेरे पे होता है. आपने अभी व्लॉग में देखा है ना, पूरे घर का काम मेरे पे होता है, ये सिर्फ डिशेस वॉश करते हैं. जो सबसे मुश्किल काम है, यू नो आई एम श्योर अबाउट इट, लोगों को हर किसी को सबसे मुश्किल काम वही लगता है. बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैं बैचलर था तो मेरे फ्रेंड्स बाकी लोग कहते थे कि बाकी जो मेरे रूममेट्स थे वो बोलते थे कि मैं खाना बना लूंगा बट तुम डिशेज वॉश कर देना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा. सो आई अंडरस्टैंड दैट पेन, डिशेज वॉश करना कितनी बड़ी बात होती है, कितना बड़ा चैलेंज है. Really? अच्छा बताना हमारे लॉकडाउन में हमने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, स्ट्रीट फूड. देखिए यार मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड सैक्रिफाइस, लिस्ट बनाते चलो, लिस्ट इट आउट. स्ट्रीट फूड, ट्रैवल, ऑफिस. ऑफिस तो घर से भी चल रहा है. नहीं वो यारों के साथ चाय पीना. अच्छा ठीक है, टी टाइम ब्रेक्स ठीक है, रेस्टोरेंट फूड, गोइंग टू द रेस्टोरेंट्स, पार्टीज, सिनेमा हॉल्स, मूवीज. अगर कोई खेल कूद रहा है वो भी है. हाँ जैसे हमारे अपार्टमेंट है और लोगों के पास अपार्टमेंट है, अच्छे अच्छे अपार्टमेंट है, तो उनके जिम है, जिमिंग, स्विमिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज. तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज के अलावा आप क्या कर रहे हैं. हमने जंक फूड अवॉइड किया है, हमने जंक फूड नहीं खाया है एक महीने से. तो एक्चुअली यू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ लाइफ इन अ लॉकडाउन. आई फील कि आपको फील होता है कि आप क्या क्या चीजें करते हो लॉकडाउन से पहले और अब एग्जैक्टली क्या हो गया है, और आप इनके बिना भी सर्वाइव कर सकते हो, ये हमें लॉकडाउन ने सिखाया है. दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बट आप इनके बिना सर्वाइव कर सकते हो. नहीं मेरा तो ये मानना है कि जितनी बार भी आपको डेस्परेट टाइम्स मिलेंगे स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट यू नो यू विल गो स्ट्रॉन्गर. सो आपको अब पता है कि आपको सस्ते में भी कैसे अपना घर चलाना है. मेरे साथ तो ये हो गया यार, मेरे तो पता नहीं कहाँ पैसे चले जाते थे. अब देख रहा हूँ मेरा एक्सेप्ट, पैसे खर्च ही नहीं हो रहे. अब ऐसा है कि यार मतलब महीने में मैं 10,000 में निपट जा रहा हूँ सारा का सारा. क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हो रही है, कोई हमारी बाहर की आउटिंग्स नहीं हो रही है, ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, कार का खर्चा नहीं है, पेट्रोल का खर्चा नहीं है. मैंने जस्ट जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसी दिन मैंने पेट्रोल भराया था, वो टैंक फुल पड़ा हुआ अभी भी. आप सोच सकते हैं एक महीने से टैंक फुल पड़ा, आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली क्या करूं उसका मैं पेट्रोल का. जब तक लॉकडाउन खुलेगा नहीं तब तक मैं यूज भी नहीं कर सकता उसको. 2 months से विदाउट ऑलमोस्ट लाइक 15,000 के अराउंड स्पेंड होता होगा शायद पेट्रोल. 15,000 तो वही सेविंग हो गई है आपकी, फिर मेड्स की सेविंग हो गई है वो काउंट कर लो, 21,000. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपने कितना सेव किया होगा. अभी बस दो चीजों का ये बता रहे हैं मंथली में. और फिर आप वीकेंड्स को आप मॉल्स जाते हैं, कम से कम 1,500 रुपए खर्चते हैं. ठीक है आपके पास आठ वीकेंड आए हैं अभी, ऑलमोस्ट 1.5 month हो गया है, दो महीने होने वाला है शायद जब तक लॉकडाउन हुआ है. तो 8 weekend में आपने कम से कम 1,500 into 8 करीब कितना हो गया यार, 12,000 रुपये बचाया. और टोटल कितना हो गया, 12, 15 plus 6 आपने 30,000 तो यही बचा लिया है, 30,000 से ऊपर. आप लोगों ने क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लॉकडाउन में. अच्छा एक पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आप ने कुछ लूज किया है इसके अंदर, तो ये खैर मुझे पहले कहना चाहिए था लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ही, दैट यू आर एंटाइटल्ड टू लर्न अ न्यू स्किल इन दिस लॉकडाउन. क्या आपने सीख पाए कुछ अभी तक, अगर आपने कुछ सीखा है नया लॉकडाउन में तो कमेंट कीजिए इन द बॉटम कमेंट बॉक्स में. सो लॉकडाउन के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं फॉर यू, लॉकडाउन का क्या पॉजिटिव पॉइंट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. पॉल्यूशन कम हो गया यार, एयर क्वालिटी, यू नो वी कैन ऑलमोस्ट सी, मैं अपने बालकनी से कम यहाँ से 15 kilometers दूर तक देख सकता हूँ क्लियरली. जो मैं कई बार मैं इसको मैं रत्ती को बता रहा था अभी
कि बेसिकली अब मैं कम से कम यहाँ से 10-15 किलोमीटर तक देख पा रहा हूँ, जो हम पे पहले कभी दिखाई नहीं देता था। हेजी होता था पहले, बहुत ज्यादा हेजी होता था, बट अभी क्लियर व्यू है। एब्सोल्युटली आपने मेरे कितने सारे व्लॉग्स में, लॉकडाउन व्लॉग्स में देखा होगा, कितनी ज्यादा क्लैरिटी है एयर में, हेजीनेस बिल्कुल भी नहीं है। सो आज का ज्ञान खत्म है। वी विल कैच यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय। बाय बाय। एंड फाइनली आई एम एंडिंग माई डे बाई डूइंग सम एडिटिंग फॉर द यूट्यूब वीडियोज। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक दिस बिजी डे इन लॉकडाउन 2.0, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन, कॉमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज़रूर फॉलो करना। आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।